फुल देसी लुक में आज हम लोग कुकिंग करने वाले हैं। जैसा कि आप सब देखो, ये हम लोगों ने बना लिया है चूल्हा और ये हमारा चूल्हा रेडी हो गया है। और मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कि आपके भाई ने जो है यहाँ पे जो है प्याज भी काट ली है। यूसुफ जल्दी से डाल दो, पतीला फुल गर्म हो गया यार, तुम्हारा घी नहीं कट के दे रहा। बस 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 बस। तो भाई हम लोगों ने मसाला वगैरह इसके अंदर डाल दिया है जो कि जो है बना। तो सबसे पहले बारी है यूसुफ की, बताओ भाई यूसुफ कैसा लगा? ऑयल। शान, मैं तो ये कहूँगा कि आपको अपना खुद का कोरमे का वो लगाना चाहिए स्टॉल, उसके बाद आपको उससे शॉप बन जाएगी, शॉप से आपका भी बहुत बड़ा अपडेट हो जाएगा। भाई बता कैसा लगा? ऐसे कहा था शेरमान। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी काशन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और आज का बेसिकली ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है साइट पे, और आज हम लोगों का दोस्तों का प्लान है कि मैं साइट के ऊपर बनाने जा रहा हूँ कोरमा, वो भी अपने हाथों से। और आज का हम लोगों का स्टाइल है कुकिंग करने का, फुल देसी लुक में आज हम लोग कुकिंग करने वाले हैं। जैसा कि आप सब देखो, ये हम लोगों ने बना लिया है चूल्हा और ये रख लिया हमने यहाँ पे लकड़ियाँ तोड़ के कुछ, और ये हमारा चूल्हा रेडी हो गया है। और मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कि आपके भाई ने जो है यहाँ पे जो है प्याज भी काट ली है। ये सारी प्याज मैंने ही काटी, और प्याज काटते हुए यार इतनी ज़्यादा आँखों में पसीने आ रही थी, तो मैंने सोचा कि पहले प्याज वगैरह काट लूँ, उसके बाद व्लॉग को स्टार्ट करेंगे। तो चले आगे चलते हैं, ब्लॉग को भी स्टार्ट करते हैं और वीडियो के साथ बने रहिएगा। आप लोगों को कोरमे की रेसिपी भी बताएंगे, और फिदा भी आने वाला है, और अरीफ भी आने वाला है, यूसुफ भी आने वाला है, तो सारे दोस्त इकट्ठे हो जाते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो इंशाल्लाह बहुत मज़ा आने वाला है, वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो गाइज मेरे फ्रेंड्स आ चुके हैं, और जो है अरीफ की तबीयत सही नहीं है, तो अस्सलाम वालेकुम अरीफ, कैसे हैं? आपको सुनने में आया है कि अरीफ को चिकन गोनिया हो गया है। तो अरीफ आराम कर रहा है, और साथ में फिदा भी है, अस्सलाम वालेकुम। और फिदा की आंखों में बहुत ज्यादा धूल मट्टी नहीं है, मतलब ये है कि अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है, धुआं वगैरह आ गया। और ये देखो सबसे मेहनती लड़का यूसुफ, जो कि घी को काट रहा है मेरे साथ हेल्प। बनाई मैं रहा हूं। बेटा जी वो मेरे साथ हेल्प करवा रहा है। कैमरा खुल दूं, उन्होंने हाथ में पकड़ी, वरना इससे पहले यहां पे ऐसा है। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन जो भी है कैमरा खुलते ही सही, लेकिन मेरा भाई हेल्प तो कर रहा है ना, एटलीस्ट ऐसा तो नहीं है ना कि ऐसे पीछे भागो। यूसुफ जल्दी से डाल दो, पतीला फुल गर्म हो गया यार, तुम्हारा घी नहीं कट के दे रहा भाई, तमीज से कटते हैं जाइनो की तरह। अच्छा 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 अच्छा। तो भाई अभी हम इसमें घी डालने लगे हैं, और जो है देखते हैं कैसा बनता है हम लोगों का कोरमा। भाई क्या पूरा डालने? हाँ डाल दो इसको भाई। बस 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 बस। दिखाओ, ये हम लोगों ने अभी सबसे पहले प्याज डाल दी, और मुझे प्याज की क्वांटिटी कुछ कम लग रही थी, तो अभी हम पहले प्याज को फुल ब्राउन कर लेंगे, और अभी हम प्याज को फुल ब्राउन कर लेंगे और ब्राउन करके फिर निकालेंगे। और यूसुफ का मुझसे चैलेंज है कि तुम कोरमा बना नहीं सकते हो। ये फंस गया सी है क्या? कि तुम कोरमा बना नहीं सकते। नाइस। तो मैं इसको बहुत ही मजेदार और लजीज कोरमा बना के दिखाऊंगा, और हमारे ये दोनों दोस्तों को देख लो कितना मस्ती में फन कर रहे हैं, और ये सिर्फ पंखा इनके सामने चल रहा है, असल मेहनत तो हम लोग कर रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, इनको क्या पता चले, बस खाएंगे भी हम। देखो मैं मेहनत करने से ज्यादा जो है ना इस चीज से बिलीव रखता हूँ कि जो काम आप 10 घंटों में करोगे ना, वो 1 घंटे में बाहर से करवा के आए। ए चुप है, आप क्या कहते हैं फिदा भाई इस पे? नहीं यार ऐसी बात नहीं है, प्लेइंग सेफ, खाने का टेस्ट ही अलग है। हाय हाय। अलग चीज है, लेकिन फिर टेस्ट ऐसी जगह रखो आप जहाँ प्रॉपर चीज खाने का जो टेस्ट आता है ना, वो किचन बनाया जाता है उसके लिए, और वहाँ पे ये सब किया जाता है। यही नहीं कि आप यहाँ पे बैठ के कर रहे हो, दूसरों को भी अजियत दे रहे हो, बाहर के मसले जा रहे हो, वो धुएं से उनकी आंखों में, अल्लाह माफ करे, क्या असल में आंखों की गंदगी मिट रही है। क्या कहते हैं अशान भाई? मैं तो ये कहूंगा भाई, जितना गलीज उतना लजीज। ऐसी चीज बनाने में वो कहीं नहीं रखा। अच्छा इसकी खासियत बताए ना कि हम इसको लकड़ी पे बना रहे हैं। इसको हम लकड़ी पे इसलिए बना रहे हैं, आपने देहातों में देखा होगा जो लोग बना रहे होते हैं उनके खाने का मजा अलग होता है। हम चाहते तो सिलेंडर भी ला के बना सकते थे, लेकिन हमारे अंदर एक
प्यारी समझ गई जो कि हमें इसको बनाने में मजा आता है और ये सिर्फ देहाती कर सकता है, देख ले देहाती कर। ओके तेरा तो गेम बजाना। ये कशान भाई अब आप क्या कर रहे हैं? यूसुफ भाई ये हम लोगों ने प्याज को ब्राउन कर लिया है। ब्राउन? हाँ मैं समझ रहा हूँ, फुल ब्राउन कर लिया है हमने। ब्राउन ही ब्लैक कर दिया। ये लो ये दही अरीफ काजम खा लेंगे। अरीफ के लिए बचा दिया हमने दही, बचा लीजिए उसमें जबरदस्ती है। और अब इसका मसाला उड़ेगा, कोरमे का हम पूरा पैकेट डाल देंगे। ये लाल मिर्च नमक, हाँ ये दिखाओ, ये थोड़ा नमक है और ये थोड़ा सा लाल मिर्च है, तो ये लाल मिर्च भी थोड़ी सी डाल दो। पूरी डालो पूरी। तो भाई ये हम लोगों ने ये इसके अंदर जो है सारे मसाले मिक्स कर दिए हैं और अब जो है ना इसके अंदर बारी है ये मिक्स करने की। जो हम लोगों ने प्याज को जो फुल ब्राउन किया था ना, अब इसको हम सही से जो है ना और मजीद अपने हाथों से जो है ना इसको फुल चूरा कर देंगे, इसका फुल चूरा कर देंगे, ताकि जो है ना ये जब इसके अंदर डालेंगे तो इसको पूरा एक मसाला बना लेंगे। और यही हमारा मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है, मेरे को भी हो रहा है। यहाँ पे हम लोगों ने चिकन डाल दी है और आप देख सकते हो अब चिकन की फुल बुनाई चल रही है। और दिखाओ जरा लेट लतीफ को, दिखाओ हमसे कौन आया है लास्ट में। टड़न 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 भाई जान, अरसलान भाई भी अब ब्लॉगिंग की फील्ड में आ गए हैं, तो जल्दी से इनको भी सब्सक्राइब करो और जो जो इनको जानता है वो कॉमेंट सेक्शन में बताए कि ये बंदा कौन है। कौन हो भाई तुम? अभी ब्लॉगिंग स्टार्ट नहीं की है। अभी स्टार्ट नहीं किया नहीं। कब आने वाला है तो भाई आपका आपका ब्लॉग कब आने वाला है? महीने बाद। एक महीने बाद? नहीं जुड़ो अपने चैनल पे, मैंने खुद ने देखा है, इस बंदे ने बोला था कि बहुत जल्द कमिंग सून। बहुत टाइम बाद आएगा, बहुत टाइम बाद आएगा यार, बहुत टाइम बाद आएगा, ऐसा कैसे चलेगा यार। ये बताओ ये क्या बनाया तुमने? ये दिखाओ यार, ये तो भाई हम लोगों ने मसाला वगैरह इसके अंदर डाल दिया है जो है बनाया था। और बाकी ये है कि इसके अंदर जितना भी मसाला लगा था हमने इसके अंदर पानी वगैरह मिला दिया, ताकि कोई भी मसाला जो है ना जाया ना हो और सब चीज इसके अंदर चली जाए। तो ये पानी समेत भी डाल देते हैं। पानी नहीं है, सिरका है ये। सिरका है तो भाई अब इसके अंदर जब तक बॉइल होगा ना ये एकदम इसका उबाल आएगा, फिर उसके बाद हम दिखाएंगे। ये हमारी जो है अभी फाइनल कोरमा बना नहीं है, अभी इसके अंदर सारे मसाले वगैरह गए। और मेरा चेहरा दिखाओ यार, ये देखो आपका भाई जितनी मेहनत कर रहा है सिर्फ कोरमे के चक्कर में, क्योंकि जब बारी चैलेंज की आ जाती है ना तो मैं किसी भी मामले में पीछे नहीं हटने वाला। और यूसुफ ने मुझे चैलेंज दे दिया कि अच्छा बनेगा ही नहीं बनेगा, बाकी सबसे रिव्यू तो ले लो क्या लगता है अरसलान में आपको फोन यूज करने आ पाए। अरीफ काजम आप क्या कहते हैं आप? सर बहुत जबरदस्त कोरमा है, मैंने खाया नहीं जबकि, लेकिन मैं बता आप तो बोले आप खाऊंगा, मैं खाऊंगा नहीं, मैं खाऊंगा भी नहीं। दूसरा कौन मार रहा है? क्यों मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। मुझे इस बंदे पे जरा भी कॉन्फिडेंस नहीं था, ठीक है मैं बोल रहा था कढ़ाई बना लो, लेकिन यही बोल रहा था कोरमा तो ट्राई करता। यहाँ पे हमारा कोरमा रेडी हो चुका है और आप ये देख लो ये फाइनल इसकी रंगत आ गई है। और यहाँ पे लाइटिंग का इशू है तो इसलिए थोड़ा सा ज्यादा ब्राउन लग रहा है। टेंशन नहीं लेने का अपुन है ना, अगर ये बिल्कुल ओके बना हुआ है तो चलो आ जाओ सबको सबके साथ खाते हैं और फिर आप लोगों को दिखाते हैं। बस 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 ये सब लोग बैठे हुए। चलो भाई कोरमा को यहाँ से उठाता हूँ, बिस्मिल्लाह। तो भाई हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया है और अब जरा इन दोस्तों से पूछना है कि भाई इन लोगों को कोरमा कैसा लगा। तो सब लोगों ने अपने अपने रिव्यू अच्छे अच्छे बताने भाई। तो सबसे पहले बारी है यूसुफ की, बताओ भाई यूसुफ कैसा लगा? ऑयल। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। झूठ बोल रहा है ये झूठ बोल रहा है। अरे आप बताओ कैसा लगा? अशान मैं तो ये कहूँगा कि आपको अपना खुद का कोरमे का वो लगाना चाहिए स्टॉल, उसके बाद आपको उससे शॉप बन जाएगी, शॉप से आपका भी बहुत बड़ा अपडेट हो जाएगा और उसके आने वाले वक्तों में मेरे ख्याल में आप मशहूर हो गए काशन कोरमे के नाम से। अशान बताओ कैसा लगा यार? खाने में तो बहुत अच्छा था, मजा आया खाकर। अच्छा लगा, बस ये था कि यार रंगत थोड़ी सी काली पीली हो गई, लेकिन कह रहे अच्छा था। हाँ भाई बता कैसा लगा? कैसे कहता शेरमाल।
शेरवान मजे का था, मतलब कोरमा मजे का नहीं था। कोरमा अच्छा था, बस थोड़ा डार्क था। टेस्ट में अच्छा होना चाहिए भाई, टेस्ट में अच्छा था। यार ये सब तो कैमरे के सामने खुलते ही कितना ड्रामेबाजियां करता है, जितना ड्रामा ये करता है ना कैमरा खुलते ही, मैं आपको बता नहीं सकता। लिटरली बहुत झूठा शख्स है ये कैमरे के सामने। चलो खैर अब चलते हैं बाहर की तरफ। तो गाइस घर आते आते मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया था और व्लॉग को कंटिन्यू करना भूल गया था, और जब मेरी नज़र टाइम के ऊपर पड़ी तो टाइम हो रहा था 5 और मुझे डर लग रहा था कि कहीं मम्मा उठ कर ना आ जाएं। तो इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह।